अभी ये मॉर्निंग का टाइम और नहा करके आ गई हूँ पूजा का फूल तोड़ने के लिए। और देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कभी बारिश होती है पटना में, कभी बादल है। तो देखिए सुबह का मॉर्निंग का व्यू मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाती हूँ। और आज फूल तोड़ने के बाद चलिए ये दिखा देती हूँ शिमला मिर्च। जो भी मैं मतलब शिमला मिर्च की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ ना, तो जो भी उसके अंदर के बीज होते हैं ना, उसी को डाल दी थी। तो कल के वीडियो में मैं बोली थी कि मैं दिखाऊंगी शिमला मिर्च, तो बहुत छोटे छोटे फूल भी आ गए। और साथ में ये कच्चू है अरबी, तो उसका भी मतलब दो तीन मतलब डायरेक्ट अरबी को ही मैं मिट्टी में डाल दी थी, तो उसकी भी मतलब छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। और यहाँ पर पोई पत्ता है, तो नीचे वाला पत्ता देखिए थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसको मैं नीचे लेके आऊंगी और ये मतलब इसका बेल तैयार हो रहा है। साथ में अनार में देखिए फिर से फूल है, लेकिन बड़ा होने पर ये टूट जाता है। तो थोड़ा सा मतलब नहाने के बाद सब फूल पत्ती तोड़ने के बाद चलिए अब नीचे जाती हूँ। और क्योंकि आज है मंगलवार तो पूजा भी करना है, और साथ में बहुत सिंपल थाली बनाऊंगी। और 27,000 फैमिली के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद है। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना मेरी कुकिंग वीडियो पे, तो मुझे बहुत मतलब खुशी होती है। और यहाँ पर आज मंगलवार है तो हनुमान जी का सिंपल सा पाठ करती हूँ, और जो भी दैनिक पूजा होता है वो करती हूँ। तो हनुमान जी का पाठ मंगल और शनिवार को करती हूँ, और डेली शिव जी और दुर्गा माता का पाठ करती हूँ। और क्योंकि देखिए समय नहीं मिल पाता है, और गृहस्थ जीवन में भी कहा भी जाता है कि आपको जितना संभव हो उतना ही पूजा कीजिए, लेकिन जो दैनिक पाठ होता है और पूजा का प्रसादी चढ़ाती ही हूँ। और तुलसी है, सम्मी जी, तुलसी माता है, सम्मी जी के पेड़ हैं, और विष्णु भगवान का जो मतलब केला का पेड़ है, तो उसमें जल जरूर मतलब डालती हूँ। बस सिंपल सा पूजा करती हूँ। पूजा करने में मुझे आधा घंटा समय लग जाता है, लेकिन अभी सावन चल रहा है तो शिव जी की भी पूजा करती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब सवेरे उठ करके मैं पूजा में लग जाती हूँ। और ये बर्तन धोने के बाद मैं पहले इसमें रखती थी, तो अभी ऊपर से छत से मैं निकाली हूँ, मतलब किचन के ऊपर जो सेल्फ बना हुआ है, तो लेकिन ये ना मतलब किचन में रखने का मतलब जगह बहुत बड़ा, मतलब ये जाली है तो नहीं सेट हो पा रहा है, तो देखती हूँ प्लास्टिक वाला निकालूंगी। तो अभी झोला झोला में सामान है, तो बहुत कुछ अरेंज की हूँ, बहुत कुछ अभी अरेंज करना है। तो ये ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान है, तो कुछ नया डब्बा है, कुछ पहले वाला डिब्बा है, तो सब धो धो करके रखी हूँ। आप लोग बोल रहे थे किचन टूर देने के लिए, तो मैं जल्द ही दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत और सामान अरेंज कर लूँ, और सब डब्बा वगैरह सब धो धो करके रखी हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना दिन की लहर थाली तैयार करती हूँ, और जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, और इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो गई है, तो इसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलूँ कम है, इसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं सोची थी आज लाइव आऊँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो आज है मंगलवार और कल सावन का तीसरा सोमवारी था, तो आज मंगलवार को पूजा पाठ करने के बाद दिन की लंच थाली बनाने लगी हूँ। तो ये जो सब्जी है ना मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से थाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो आलू गोभी की सब्जी है ना, तो काली मिर्च वाला मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, प्याज वाला भी मैं दिखा चुकी हूँ, और लेकिन ये काली मिर्च वाला सब्जी ना बहुत टेस्टी लगता है। और गोभी को पहले से फ्राई करके मैं निकाल दी थी, और आलू को बॉयल करके क्या करना है ना कि सरसों का तेल में जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो गर्म मसाले के तड़के, उसके बाद जीरा, देसी मिर्च, तेजपत्ता डाल देना है। जब वो अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो जाए, उसके बाद जो बेसिक मसाले हम पीसते हैं, जिसमें जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, काली मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और डाल करके थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च, हल्दी डाल करके एकदम मसाला भून लें। उसके बाद आलू तोड़ तोड़ करके डाल दें, और गोभी पहले से फ्राई कर लें, और डाल करके आप इस तरह से ग्रेवी लगाएं, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें एक बॉयल आने पर। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, कई बार मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और एक कमेंट आ गया था ना कि घी में आप ज़रूर ये जीरा राइस बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, तो मिस्टर वर्मा घी वाला नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं नहीं डाली थी। लेकिन एक मतलब आप लोगों का कभी कभी जेन्यून कमेंट्स रहता है, तो आज बेटा का जो है ना, सिर्फ बेटे के लिए मैं बना रही हूँ जीरा राइस, वो घी वाला खाता है, घी वाला पराठा पसंद करता है। और मिस्टर वर्मा यहाँ बोले मेरे लिए चावल चढ़ा दो, तो आज बोल रहे थे खेक्सा का भुजिया और लौकी का चक्का बचका ये सब बना दो, लेकिन उसका भी ऑफिस का टाइम हो रहा था, तो वो तो नहीं खाता है चक्का बचका और ये सब, तो मतलब पनीर वाला पकौड़ा वगैरह खाता है, बैंगन पटल ये सब नहीं खाता है। तो ये आलू गोभी मैं उसके लिए खास करके बना दी हूँ, बड़ा शौक से खाता है फ्राइड राइस के साथ। तो चलिए
ही उसकी मैं प्लेट लगा देती हूँ। और मतलब मेरी धीरे धीरे इतनी अच्छी बड़ी फैमिली होते जा रही है ना, उसके लिए मतलब मुझे बहुत खुशी लगता है कि मतलब दिन भर घर के काम के बाद जो भी रेसिपी आपके साथ वीडियो शूट करती हूँ, लाती हूँ, तो जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। और आप लोगों के प्यार के बिना इतना बढ़ पाना भी मेरे लिए संभव नहीं था। और ये इसकी जो ग्रेवी देख सकते हैं ना, तो बिना प्याज के भी ग्रेवी इसका बहुत अच्छा तैयार होता है। और टमाटर भी डालती हूँ, और बिना टमाटर वाले भी आप काली मिर्च का बना सकते हैं। तो चलिए, लेकिन मेरे से ज़्यादा ना मिस्टर वर्मा जो कल रेसिपी बनाए थे, आप लोगों ने उस पर ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब कभी कभी सब्जी उनके हाथों का भी मैं दिखाऊँ अपनी थाली में। और यहाँ पर देखिए, मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा है। जैसे मैं परसों वाले जो पनीर की सब्जी के साथ फ्राइड राइस शेयर की थी, जो रिफाइन में बनाई थी, तो वो ना रिफाइन में चिपचिपा जैसा हो गया था। और आज मैं घी में बनाई हो ना, तो ये चावल बड़ा खिला खिला बना है। तो मुझे थोड़ा सा घी में बनाने में फ़र्क महसूस हुआ है, एकदम मतलब एक एक दाना अलग हो गया है। और वही रिफाइन में बनाने से ना मतलब एक दूसरे से चावल चिपक गए थे, तो थोड़ा सा फ़र्क लगा है। तो कभी कभी आप लोगों का सजेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें ना थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, जीरा और थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल करके बनाई हूँ। और ये सोना चूर चावल तो तुरंत बन जाता है, तो यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म सब्जी और थोड़ा सा सलाद और पापड़ लगा दूंगी। तो बेटा खा करके चला जाएगा ऑफिस, लेकिन इतना सब्जी नहीं खाएगा, उतना आधा सब्जी मैं निकालूंगी, बहुत ही कम सब्जी खाता है, सलाद उसे रोज़ चाहिए। तो एक कमेंट्स आ गया था कि आप सलाद बहुत दिन के बाद अब थाली में इंक्लूड कर रहे हैं, तो बारिश का समय है ना, इसलिए सलाद जो है ना मैं थोड़ा कम ही लगा रही हूँ। और ये देसला खीरा खाते हैं मिस्टर वर्मा, तो देसला खीरा मिल गया तो लेके आए हैं, नहीं तो वो वाला जो खीरा रहता है ना हाइब्रिड वाला, वो नहीं खाते हैं। और साथ में खाना बनाने के बाद देखिए, बहुत सारे अभी राखी से रिलेटेड बहुत सारे कोलैबोरेशन का भी मतलब प्रोडक्ट आ गया है। और मेरे पास ना दिन भर काम होते हैं, और उसमें भी बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, ना चाहते हुए भी इतने नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं ना आप लोग, और मेरी कुकिंग वीडियो पर मतलब इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज मैं स्पेशल उन महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ जो मेरे मतलब वीडियो पे आकर के, रील्स पे आकर के नेगेटिव कमेंट्स करती हैं। तो एक कहावत है ना कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, कभी कच्चे चावल होते हैं, कभी अधपके दाल होते हैं। तो मेरी जो थाली आती है ना, देसी बिहारी लहस थाली आती है, जो सिंपल होती है बट स्वादिष्ट होती है, और ये बटर बटर वाला जो खाना रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब आप नहीं खा सकते हैं, इसीलिए सिंपल थाली बनाती हूँ, स्वादिष्ट थाली बनाती हूँ। और इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं ना, तो मैं मतलब रिप्लाई अगर कुछ नेगेटिव करती हूँ तो भर भर के और वो लोग मतलब लिखने लगते हैं। तो उन महिलाओं के लिए मेरा एक मैसेज है कि देखिए, YouTube हो गया, Instagram हो गया, चाहे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो महिलाएं मतलब बाहर नहीं जाके घर में भी अब वर्क कर सकती हैं और अर्न कर सकती हैं और अपने परिवार को और भी अच्छी तरह से रख सकती हैं। और अगर आपको अर्न नहीं करना है तो कुछ ऐसे काम में भी आप मन लगाएं कि जिसमें आपको मतलब बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिले, न कि दूसरों के मतलब वीडियो पे आके नेगेटिव कमेंट्स करना, इससे क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा अगर किसी को नेगेटिविटी आप फैलाते हैं किसी की वीडियो पे, तो क्या होता है ना कि उससे मतलब कभी कभी वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करें चाहे घर में काम करें, काम काम होता है, उस पर अगर कोई परेशान करता है तो कभी कभी दिमागी रूप से लोग मतलब बहुत वीक हो जाते हैं। और कभी कभी लगता है कि जैसे अब नहीं मैं मतलब ये सब चीज मैं कर पाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेगेटिव कमेंट्स ना करें, जहां पे अगर गलत होता है उस चीज के लिए आप मुझे बोल सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।